गहलोत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि काफी लंबे समय तक संबोधन और लाभार्थियों से बातचीत के बाद अब जब मौका आया मीडिया से मुखातिब होने का, तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है। मीडिया फ्रेंडली कहे जाते हैं और लंबे इस कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों से भी मुखातिब। अब से कुछ ही क्षणों में सीएम अशोक गहलोत को सुनिए। प्रकार से लाभार्थी उत्सव के रूप में आज इकट्ठे हुए, मकसद यही है जितनी भी योजना सरकार की है वो हर घर तक पहुँचे, लाभार्थियों का अनुभव हमें काम आए, लाभार्थियों महसूस हो हमने अगर सरकारी योजना का लाभ उठाया है तो हमारे कर्तव्य बनता है हम और लोगों तक बात पहुँचाएँ जो नीडी है, क्योंकि जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रयोग किया गया, 2 लाख का टारगेट रखा गया, 2 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, और शानदार तरीके से इंटरेक्शन हो गया, सब तरह की जो लाभ मिले लोगों को उन्होंने शेयर किए। और मैं समझता हूँ कि अब जो लोग 2 लाख लोग आए हैं ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। हमारा मकसद है कि राजस्थान का हर परिवार अछूता नहीं रहे, हर परिवार को चिरंजीवी योजना का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सोशल सिक्योरिटी का सब लाभ मिले। क्या प्रमुख योजनाएं? तो इसलिए मैंने कहा आपको, इतनी सारी योजना भी आपने सुनी, उन तमाम योजनाएं हमारी प्रायोरिटी पर रहेगी। हम चाहेंगे कि अब खाली योजनाएं इम्प्लीमेंट करने की बात है, इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। इसलिए बजट पास होने के पहले से हमने सचिवालय में सेक्रेटरी की मीटिंग बुला के उनकी बात सुन ली, ABC कर ली प्रायोरिटी, और 300 से ज़्यादा सैंक्शन निकल गई है बजट की, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। अब खाली ये कि मीडिया हो, चाहे हमारे सोशल वर्कर हो, एक्टिविस्ट हो, या हमारे जो लाभार्थी हो, सब मिलकर के अगर ये प्रचार प्रसार करेंगे तो घर घर ये योजना पहुंच जाएगी, तो और ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। कुछ बच्चों ने सर इंग्लिश में भी बातचीत की, चाहे सैनिटरी पैड हो। ये तो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री खड़े हैं गोविंद दत्ता सर जी, जब स्कूलें खुली थी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, आज 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। गरीब या आप बताइए मध्यम क्लास का परिवार है तो कैसे 1 लाख फीस देगा, 50,000 फीस देगा, आज फ्री पढ़ाई हो रही है वहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा, और मैं समझता हूँ अच्छी पहल रही है। इसके सही जो योजनाएँ हमारी है वो तमाम योजनाएँ अब धीरे धीरे पहुँच रही है, और लोग समझ गए कि हमें इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। अब धीरे धीरे मैं समझता हूँ लोग समझ गए हैं कि भाई ये तो कुदरत की देन है, उसको अगर मान लीजिए हम हर महिला, जो गरीब महिला भी है गाँव की, वो नैपकिन के पास होते नहीं हैं, वो साधन काम लेती है, उससे रोग फैलते हैं, बांध बन जाती है, कैंसर हो जाता है, बीमार पड़ जाती है, तो सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि संकोच छोड़ो, आगे आओ, महिलाओं के हित के अंदर आप परिवार में बात करो। एक पत्रकार ने मुझे कहा कि मेरी बेटी ने मुझे कहा, पापा आप आ रहे हो बाजार से तो नैपकिन लेते आना, बहुत बड़ी बात है ये। अगर इस प्रकार की भावना हम घर घर में भर देंगे तब जाके महिलाएं सुरक्षित होगी। सर संभाग के दौरे कर रहे हैं किया गया, लेकिन लेकर डेडलॉक की स्थिति बनी हुई कार्यक्रम में संबोधन देने के बाद में एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुई, और मीडिया के तमाम सवालों का जो कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, क्या किया जाएगा, क्या किया जा रहा है, तमाम सारी चीजों को डिस्कस उन्होंने एक बार फिर से किया।